अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो परमिटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के कुछ एमसीक्यूज को। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जैसे मैं आपको हर बार कहता हूं कि जब कभी भी आप ऑनलाइन वीडियो पढ़ो तो आप सुकून से, अगर आप जिस तरह आप क्लास में पढ़ते हो, अगर आप सुकून से इसको पढ़ोगे, आप एक एक एमसीक्यूज को सही से समझोगे तो बआसानी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज है यहां पर, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कमिटी। यानी जब कभी भी आपको कोई वर्ड गिवन हो और आपको बोले कि उसमें परम्यूटेशन बताओ, तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि उस वर्ड के अंदर के कोई अल्फाबेट रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर अल्फाबेट रिपीट हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड है परम्यूटेशन फाइंड करने के लिए, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि इसके अंदर टोटल कितने अल्फाबेट हैं। तो गिनते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि इस टोटल, इस वर्ड के अंदर जो टोटल अल्फाबेट है वो कितने हैं, 9। तो टोटल अल्फाबेट को हम लिखेंगे न्यूमरेटर में, यानी कि हम लिखेंगे 9 फैक्टोरियल। डन। अब डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना है, हम ये देखेंगे कि कौन कौन से अल्फाबेट हैं जो कितने कितने बार रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि एम जो है दो बार रिपीट हो रहा है, तो हमने एम को लिख दिया। तो कितनी बार रिपीट हो रहा है, एम दो बार, तो हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली मजीद हम देखेंगे टी, टी आपके पास कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, अगेन टी जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो इट मीन्स टी के लिए भी हम क्या करेंगे, लिख देंगे 2 फैक्टोरियल। और आखिर में हम चेक करेंगे मजीद कोई अल्फाबेट है, तो हमें दिख रहा है कि जो ई है ये भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि अब टोटल अल्फाबेट को हम कहां लिखेंगे, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, जो जो अल्फाबेट जितने बार रिपीट हो रहे हैं, अगर 3 बार रिपीट होगा तो हम 3 फैक्टोरियल लिखते हैं, अगर 2 बार रिपीट होंगे तो हम 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। ठीक है, 1 टाइम्स को हम नहीं लिखेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल बराबर होता है 1 के। अगर 1 मोर देन 1 है तो आप हर एक अल्फाबेट के लिए नंबर्स को फैक्टोरियल के साथ लिख देंगे। अच्छा, अब इस फॉर्म में आपके पास आंसर तो नहीं है, तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं किस तरह, कि इस चीज को हम इस तरह लिख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास 9 है और नीचे हमारे पास 3 टाइम्स 2 है, तो 2 2 एंड 2, इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, इफ एन इक्वल टू 0 देन एन प्लस 1 का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल, ये किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि फैक्टोरियल जो आपके पास क्या है, कि फैक्टोरियल अपने में से एक कम करते हुए मल्टीप्लाई फॉर्म में आगे बढ़ता है। इसका मतलब अगर 5 फैक्टोरियल है तो उसका बेसिक तरीका क्या है, कि अगर 5 फैक्टोरियल है तो सबसे पहले जिस नंबर पे फैक्टोरियल होता है हम उस नंबर को लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, 5, और उसके बाद हम 5 में 1 माइनस करेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, उस नंबर में जिसके साथ फैक्टोरियल है उसमें फिर हम 2 माइनस करेंगे, ये बन जाएगा 5 माइनस 2। फिर इसी तरह जो हमारे पास नंबर है उसमें हम क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे, यानी कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 माइनस 3। इस तरह हम एक एक नंबर क्या करते हैं, माइनस करते जाते हैं। तो उसको हम यूं भी लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, और 5 माइनस 2 मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 2, और आखिर में हमारे पास क्या होगा, 1, और 1 पे जाके आपके पास जो आपका फैक्टोरियल है वो खत्म हो जाएगा। अब अगर आपके पास एक सवाल है, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, सॉरी ये लिखता हूं मैं उसको 9 कर देता हूं, कि 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल, तो इसको हम लिख सकते हैं किस तरह से, जैसे मैंने आपको भी बताया, 9 सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 9, क्योंकि 9 के साथ फैक्टोरियल है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें एक माइनस करेंगे, ये आपके पास क्या बन जाएगा, 8, फिर एक और एक माइनस करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 7। अच्छा, हम इसमें मजीद माइनस कर सकते हैं, 6 5 3 2
लेकिन इसको हम माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, 7 फैक्टोरियल है। तो रूल ये कहता है कि अगर आप फैक्टोरियल को 1 से पहले रोकते हो तो लाजमी आपको किसके साथ रोकना है, फैक्टोरियल के साथ रोकना है। फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ कहां पर खत्म होगा, 1 पे जाकर खत्म होगा, 1 के अलावा फैक्टोरियल खत्म नहीं हो सकता। अगर 1 से पहले आप कहीं भी ब्रेक लगाओगे तो आपको फैक्टोरियल के साथ स्टॉप करना होगा। इस तरह 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कुछ इसी टाइप का काम यहां पर हम करेंगे। सबसे पहले आपके पास n प्लस 1 है, तो मैंने आपको बताया जिस नंबर के साथ फैक्टोरियल होता है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं n प्लस 1, और फिर उस नंबर में हम एक माइनस करते हैं। तो अगर n प्लस 1 में हम माइनस 1 करें तो हमें दिख रहा है कि 1 से 1 हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल। तो जस्ट आपके पास क्या बच रहा है, एन, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोबारा एन है। तो हम इसके आगे भी जा सकते हैं एन माइनस 1, लेकिन हम क्यों जाएंगे, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में एन फैक्टोरियल है। तो इसको मैं क्या करूंगा, एन पे ही स्टॉप कर दूंगा। और जैसे मैंने आपको ये बताया जब कभी भी हम 1 से पहले स्टॉप करते हैं तो फैक्टोरियल के साथ स्टॉप करते हैं। तो इसमें मैं क्या करूंगा, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल हमारा क्या हो गया, कैंसिल। हमारे पास क्या बच गया, एन प्लस 1, क्योंकि एन किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो 0 प्लस 1 किसके बराबर होता है, 0 के। इस तरह जो सही ऑप्शन है हमारा वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास, इफ अ डाई एंड अ कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड। आपको कह रहा है कि एक डाई है और एक कॉइन है, उनको एक दोनों एक साथ टॉस कर रहे हैं। तो बताओ क्या चांसेस है कि आपके पास दो हेड हो। अब अगर आपके पास अगर एक कॉइन है तो कैसे पॉसिबल है कि एक कॉइन में आपके पास दो हेड आ सकता है, एक कॉइन के अंदर एक ही हेड होगा ना, तो दो हेड तो आ नहीं सकता। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जब दो हेड आ ही नहीं सकता तो नॉट पॉसिबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, जीरो प्रोबेबिलिटी है। तो हमारे पास यहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स कैन बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल। कितने वेज बनेंगे जब 7 लड़कियां बैठेंगी किस तरह, अराउंड अ राउंड टेबल में। तो इसे हम कहते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन। और सर्कुलर परम्यूटेशन का हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो होता है एन माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। तो इस तरह हमारे पास 7 गर्ल्स हैं, तो 7 माइनस 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका आंसर 6 फैक्टोरियल। अब आपके पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मैंने आपको पहले ही एमसीक्यूज बताया था कि इस ब्रैकेट को हम लिख सकते हैं किस तरह, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। अब मैंने आपको अभी समझाया कि फैक्टोरियल क्या करता है, सबसे पहले जिस नंबर के ऊपर फैक्टोरियल है हम उसको लिखते हैं, उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं, उसके बाद एक और एक माइनस करते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है। तो उसको मैं यहीं पर स्टॉप कर दूंगा। और मैंने आपको बताया था जब कभी भी हम 1 से पहले स्टॉप करते हैं तो फैक्टोरियल के साथ स्टॉप करते हैं। तो नीचे हमारे पास क्या है, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये दूसरे कैंसिल हो जाएगा, और 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है आपका, 2 के। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल। 2 मल्टीप्लाई 1 2, और 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या होता है, 4। इस तरह 5 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, 10। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन प्लस 1 का होल फैक्टोरियल। मैंने आपको अभी समझाया है लास्ट एमसीक्यूज में कि एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन प्लस 1 का होल फैक्टोरियल। इस तरह वहां पर मैंने एन प्लस 1 को न्यूमरेटर में ओपन किया था, यहां पर आप क्या करोगे, इसको डिनोमिनेटर में ओपन करोगे। तो ऊपर तो एन फैक्टोरियल वैसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताया जिस नंबर के साथ फैक्टोरियल है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, यानी कि एन प्लस 1 का, और उसके बाद उसमें हम एक माइनस करते हैं। जब प्लस 1 में आप एक माइनस करोगे तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा,
जिस आपके पास क्या बचेगा एन, जो कि ऊपर एन है, तो यहीं पर हम क्या करेंगे स्टॉप, इस तरह एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल क्या होगा कैंसिल, आपका जो आंसर होगा वो 1/(n+1)। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास है, अ डाई इज रोल्ड वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है कि फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, इसका मतलब ये है कि इसमें एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। न्यूमरेटर में हम वो वैल्यू लिखेंगे जो हम चाहते हैं और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे कि क्या क्या आ सकता है, ठीक है, यानी कि फेवरेबल आउटकम जो हम चाहते हैं डिवाइड बाय टोटल आउटकम के क्या क्या आ सकता है यहां पर। तो सबसे पहले अगर एक डाई है तो आप जानते हैं जो हम डाई को फेंकते हैं लिडू खेलते वक्त, तो उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी, यानी कि 6 चांसेस हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, 6 वेज है, हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो कितने वेज बनते हैं, 6 वेज। अच्छा एक बात मैं क्लियर कर दूं, यहां पर हम नंबर्स नहीं लिखेंगे, यहां पर हम वेज लिखेंगे कि कितने वेज हैं। अब आप कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4 कि क्या चांसेस है कि 4 हो। अब उस अब देखो उस डाई के अंदर कितनी बार 4 है, तो हम जानते हैं उस डाई के अंदर एक ही बार 4 होता है, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे 1, तो 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। आप 4 नहीं लिख देना, 4 कितनी बार है, एक बार है, तो आप 4 को एक ही बार लिखोगे। इसी तरह 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6, 2 की भी कितनी होगी 1/6, 1 की भी कितनी होगी 1/6, क्योंकि ये सब एक बार है। तो न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल आउटकम। नेक्स्ट हमारे पास इन फैक्टोरियल नोटेशन, एन एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, आपके पास बनता है एन फैक्टोरियल। कैसे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर के ऊपर फैक्टोरियल है हम उसको वैसे ही लिखते हैं, उसके बाद उसमें एक माइनस करते हैं, यानी कि हो जाएगा एन माइनस 1, उसके बाद 2 माइनस करते हैं तो यहाँ के पास क्या हो जाएगा एन माइनस 2, और इस तरह ही आगे बढ़ते हुए बढ़ते रहेगा। और मैंने बताया था ये खत्म कहां पर होगा, ये जाके खत्म होगा 3 मल्टीप्लाई 2 और आखिर में मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस चीज को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एन फैक्टोरियल। उसके बाद आपके पास ये दो फॉर्मूलाज हैं, एमसीक्यू नंबर 9 और एमसीक्यू नंबर 10। जिसे एमसीक्यू नंबर 10 तुमने आपको बताया कि द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ एन एलिमेंट टेकन ऑल एट ए टाइम, के सर्कुलर परमुटेशन में जो आपके पास परमुटेशन हम निकालते हैं वो हम किस तरह निकालते हैं, एन माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, अभी जो एमसीक्यू नंबर 9 है इसका फॉर्मूला मेरे जहन से फिलहाल अभी निकल रहा है, तो मैं काम करूंगा जो उसका सही आंसर है फॉर्मूला वो मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।